चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं रोडीज रिवॉल्यूशन के एपिसोड 2 के बारे में, जहां पर रण विजय, निखिल, नेहा धूपिया, रफ्तार और प्रिंस जो है अपने ऑडिशंस कर रहे हैं और बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं अपने रोडीज रिवॉल्यूशन के लिए, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है और जो कि जो है जनता के जो है स्ट्रगल या उनकी जो परेशानियाँ हैं उन्हें एक तरीके से उठाता है, उनकी बात समझता है और एक तरीके से जो है नई सोच को बढ़ावा देता है। युवाओं के लिए बेहतरीन शो है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं रोडीज रिवॉल्यूशन के एपिसोड 2 की, कि कैसा रहा ये ओवरऑल शो और किस किस का सिलेक्शन हुआ है आज के दिन और क्या क्या हुआ है रोडीज के इस एपिसोड 2 के अंदर। तो आगे की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर, जहाँ पर हम बनाते हैं सॉन्ग सेलर्स और फनी वीडियोस से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस और शोज से रिलेटेड रिव्यूज। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट को मिस ना करें और जल्दी से जल्दी देख पाएं और शो से रिलेटेड रिव्यूज और ट्रेलर और मूवी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस जल्दी से जल्दी देख पाएं जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कि आज के दिन जो है रोडीज के 2nd एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो शो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है, यानी एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ऑडिशन प्रोसेस चल रहा था, दिल्ली में ऑडिशन चल रहे थे और वहीं से आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये शो दिखाई दिया, यानी ऑडिशन प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। तो पहले कंटेस्टेंट आए हैं इसमें सकीब खान, जो कि आए हैं श्रीनगर से और जो है श्रीनगर का जो है दर्द लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि पत्थर मेरे यहाँ आने से अगर पत्थरबाजी रुकती है तो ये एक अच्छी बात है, यानी मुझे देखकर अगर कुछ लोग सीखते हैं श्रीनगर के अंदर तो ये एक अच्छी बात है, और हमारी जेएनके से तो सेंटिमेंट है ही, तो इसी वजह से इनका सिलेक्शन इस शो पर हो जाता है। और ये श्रीनगर से आते हैं, काफ़ी फिट भी हैं और काफ़ी बेहतरीन जो है फुटबॉल कोच भी रहे हैं, तो श्रीनगर से जो है एक बंदे का सिलेक्शन दिल्ली ऑडिशंस के अंदर हो जाता है। तो बात करें अगर अगली, तो यहाँ पर जो है स्टार जो होते हैं, स्टार जो कलेक्ट करने थे आपके सारे जो टीम मेंबर्स थे, मतलब जजेस हैं 4 जो है प्रिंस, रफ्तार और आपके निखिल और नेहा, तो उन्हें जो है स्टार सर्व करने थे, तो यहाँ पर जो है स्टार रद्द हो जाते हैं क्योंकि प्रिंस और नेहा की टाइमिंग में थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि अगले कंटेस्टेंट कौन रहे, यानी 2nd जो ऑडिशन हुआ वो किसका हुआ। तो अगले कंटेस्टेंट आए थे सुमित शर्मा और तान्या सेन, जो कि तान्या सेन भी जो है अच्छी खासी वर्क करती हैं, मास कॉम में वर्क किया, मतलब पढ़ाई की है उन्होंने, जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, और सुमित शर्मा आए हुए थे। उनके बीच में जो है एक क्विज किया गया, क्योंकि दोनों के दोनों ने फॉर्म में लिखा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनसे क्विज का राउंड रखा गया जहां पर उनसे इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई, नहीं बता पाए, वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी गई, नहीं बता पाए, शिप के 5 जो कोने होते हैं उसके बारे में पूछा गया कि उस फिगर को क्या कहेंगे जिनके 5 कोने होते हैं, बच्चों का सवाल था, नहीं बता पाए। तो ओवरऑल उन्होंने इंटेलिजेंट दिखाया था, इस वजह से जो है जजेस ने उनसे सवाल पूछे जिनका जवाब उनसे नहीं दिया गया। तो इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ और जो है इस दौरान भी किसी को कोई स्टार, किसी भी जज को कोई स्टार जो है कमाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि किसी ने कुछ गेस किया ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कि अगला कंटेस्टेंट कौन था। तो अगले कंटेस्टेंट आए थे निहेश, जो कि घर वालों से परेशान थे, जिन्हें खेलना था क्रिकेट और घर वालों से परेशान होकर उन्होंने ले ली साइंस, जिसके चक्कर में जो है वो कहीं के नहीं रहे। तबला बजा लेता है बंदा, फिट भी काफ़ी अच्छा है और रोप टास्क में जो है उन्हें रोप टास्क दिया गया था जजेस के द्वारा, जहाँ पर वो चढ़ नहीं पाए, बाकी जो है विजय और निखिल के जो है हौसला बढ़ाने पर वो रोप पर चढ़कर घंटी बजा पाए हैं। तो उन्हें जो है सिलेक्शन में लिया गया, उन्होंने अपनी एक स्टोरी भी शेयर की कि उनका मोलेस्टेशन हुआ है बचपन में, जिसके लिए उन्हें तारीफ़ भी की गई कि उन्होंने टाइम से उस चीज़ को रोक लिया और अपने पेरेंट्स से ये बात भी कही। तो जब उनका ये इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन वो काफ़ी रोते हुए दिखाई दिए, तो रण विजय ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है और शो अगले जो है कलिंग राउंड पर बुला लिया है। शो पर बुलाना और कलिंग राउंड पर बुलाना एक ही बात है, लेकिन अभी फाइनली जो है शो के अंदर नहीं आए हैं, एक राउंड कलिंग राउंड
बचा हुआ है। बाकी बात करें अगर अगला कंटेस्टेंट, तो अगला कंटेस्टेंट आएगी सोमिया सचदेवा आई थी, जो कि एयरलाइंस के अंदर वर्क करती है और जो कि रेप के ऊपर आवाज़ उठाना चाहती है। जहां पर नेहा ने कहा कि आपने इंस्टाग्राम पर क्या स्टोरी शेयर की है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी किसी रेप वूमेन के लिए आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिला और उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया था ताकि वो अवेयरनेस फैला सके। इसलिए नेहा धूपिया मुझसे काफ़ी नाराज हो गई कि आप रेप रोकना चाहते हो, कंट्री के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन आप अपने सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें शेयर ही नहीं करते जिससे अवेयरनेस फैले। तो उनका ये जो है फेक बना वहाँ पर पकड़ा गया, नेहा धूपिया उनसे काफ़ी नाराज हो गई। लेकिन निखिल ने और जो है रणविजय ने या प्रिंस ने भी ये बात कही कि हम उन लोगों को सपोर्ट करते तो हैं जो इनके विक्टिम हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी सपोर्ट करेंगे जो आगे से इन सब के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो इस वजह से जो है इन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जब नेहा ने मना कर दिया था और नेहा ने जो है सही बात उठाई थी, तो यहाँ पर मैं नेहा से एग्री करता हूँ कि इन्हें जो है शो के अंदर नहीं लेना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी बातें मैच नहीं खा रही थी जिस हिसाब से ये बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू के लिए जो है ये बोल रही हैं। तो बात करें अगले कंटेस्टेंट की, तो अगला कंटेस्टेंट आए थे मिलिन, जो कि जिमनाजियम करते थे बेहतरीन और काफ़ी फिट बॉडी थी, और इन्हीं के भाई आए थे आकाश वर्मा, यानी मिलिन और आकाश वर्मा दोनों भाई भाई आए थे। मिलिन जो है एक्स रोडीज रह चुके हैं और रोडीज पर काम भी कर चुके हैं। तो यहाँ आकाश वर्मा जो उनके भाई थे उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया, नेहा के भाई को गाना सुनाया और उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। जो है मिलिन का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, वो दोबारा सिलेक्शन कराना चाहते थे लेकिन एक्स रोडीज दोबारा जो है शो पर आ नहीं सकता। ये पहले से ही हम जानते हैं कि एक बार जो है सेलेक्ट हो चुका है वो शो नहीं कर सकता। तो ओवरऑल वो अपने भाई को भी लेके आए थे और खुद भी आए थे और काफ़ी बेहतरीन उन्होंने शो के दौरान अपने काफ़ी रस्सियों पर भी चढ़े और काफ़ी पुशअप्स चिनअप्स भी करते हुए दिखाई दिए, काफ़ी जिमनास्टिक की जो है प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक्स रोडीज होने के नाते मिलिन को नहीं लिया गया और जहाँ पर आकाश वर्मा को लिया गया जो कि उनके भाई हैं। बात करें अगर अगले की कि अगला कंटेस्टेंट कौन आया है, तो अगला कंटेस्टेंट आए हैं आदित्य भारद्वाज, जो कि एक रैपर थे। ये भी इम्प्रेस करने में जो है नाकामयाब रहे हैं। आते ही उन्होंने रैप से सभी का स्वागत किया और लेकिन जजेस के रिलेटेड सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए कि आप रेप को कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी एजुकेशन बच्चों में फैला कर और पूरी जो है इसके बारे में टच कैसा सही होता है कैसा नहीं होता है ये सब बच्चों को बता सके, लेकिन वो ये बात नहीं बता पाए कि आप बच्चों को समझाओगे कैसे कि सही क्या है गलत क्या है, तो ये बात जजेस को नहीं बता पाए। इसलिए जो है जजेस उनकी बात से सहमत नहीं हो पाए कि वो रेप जो इतना घिनौना क्राइम है उसे रोकेंगे कैसे, और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है गेस्ट करने वाला जो टास्क था जिसे हम भूल गए, यहाँ पर जो है निखिल धुके से जो है इस पर गेस्ट कर लेते हैं और अकेले निखिल ही करते हैं जहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से निखिल को जो है रणविजय सजा देते हैं जो कि निखिल यानी जज हैं, तो उन्हें सजा देते हैं कि वो एक बार टायर फ्लिप करेंगे और किसी ना किसी जज की जो है बुराई करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार रहा है, कॉमेडी से भरपूर रहा है ये वाला भी, और निखिल तो काफ़ी टाइम से शो से जुड़े हुए हैं तो बहुत बेहतरीन लग रहे थे ये काम करते हुए। रोप पर भी चढ़े हैं, घंटी भी बजाई है, टायर भी फ्लिप कर करके जो है एक एक जज की बुराई की है, तो कुल मिलाकर 3 बार जो है उन्होंने टायर फ्लिप किया है। तो इतने ही कंटेस्टेंट का जो है यहाँ पर इंटरव्यू दिखाया गया, यानी इतने ही इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट होंगे, और भी बहुत से लोग सेलेक्ट हुए हैं कलिंग राउंड के लिए जिनके इंटरव्यू हमें नहीं दिखाए गए। तो ओवरऑल जो है और भी लोग सेलेक्ट हुए हैं लेकिन इंटरव्यू हमें देखने नहीं मिले, ये शो के दौरान बता दिया गया। तो इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज जो है हमें दिखाई दे गए, और इसके आगे जो है दिल्ली ऑडिशन का नहीं दिखाने वाले, क्योंकि अगला ऑडिशन जो होने जा रहा है वो पुणे के अंदर होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं मेरे रिव्यू की इस शो के बारे में। तो मेरा रिव्यू ये है इस शो के बारे में कि शो का कॉन्सेप्ट मुझे पुराने जो एपिसोड थे उसके अंदर भी बहुत पसंद आया, बहुत बेहतरीन लगा है शो का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रोडीज रिवोल्यूशन है ये, जहाँ पर जो है समाज की जो दकियानूसी सोच है, समाज की जो बेकार सोचें हैं उन्हें जो है
हटाने की जो है कोशिश की गई है और समाज में जो है मुद्दे जो काम के हैं उन्हें उठाने की कोशिश की गई है। युवाओं के लिए बेहतरीन शो है ये, क्योंकि रोडीज एक ऐसा शो है जो महिलाओं के ऊपर जो है काफ़ी वर्क करता है और महिलाओं के राइट्स के बारे में हमें बताता है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन शो रहा है, युवाओं से जुड़ा शो रहा है शुरुआत से ही, और महिलाओं के लिए तो खासकर बेहतरीन शो है जो शुरू से ही महिलाओं के ऊपर आवाज़ उठाता आया है। तो रियली ये जो शो है ये प्रोवाइड करता है वॉइस हमारे यूथ को, जिनको कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ओवरऑल जो है मुझे ये शो बहुत बेहतरीन लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। कभी कभी तो इनकी जो कंटेस्टेंट आते हैं उनकी स्टोरी सुन के रोना भी आ जाता है। तो इमोशनल टच भी देने की कोशिश की गई है, कॉमेडी भी है, और आपको कुछ ना कुछ सीख जो है इन ऑडिशन से मिलती है कि आपको कैसा करना चाहिए। कहीं कहीं पर तो मुझे ये लगता है कि जजेस किसी को नाराज नहीं होने देना चाहते सिलेक्शन राउंड में, तो उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। और जजेस ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो पहले जो है कंटेस्टेंट को वो मना कर देते हैं, बाद में उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा किस लिए करते हैं या मजाक करते हैं, मतलब ऐसा किस लिए करते हैं या मजाक करते हैं कंटेस्टेंट के साथ ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज ये ज़्यादा होते हुए दिखाई दिया, जहाँ पर दो कंटेस्टेंट को सेलेक्ट नहीं किया गया था और बाद में रणवीर ने उन्हें सेलेक्ट किया। लेकिन यही था मेरा ओवरऑल रोडीज के बारे में रिव्यू, एपिसोड दो के बारे में रिव्यू। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।